देखिए, इमरान खान ने पहले 160 दिन धरना दिया, क्या हुआ? कोई इलेक्शन करवा सके, कोई असेंबली टूट सकी? नहीं टूटी। देखिए, हमारी कोई भी स्ट्रेटेजी होगी वो अनलॉफुल नहीं होगी। अच्छा, वो कानून के दायरे में होगी। ठीक है, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, आजादी सहाफत का जनाजा है, बड़ी धूम से निकलेगा। अच्छा, वो जो मेरे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सहाफी भाई हैं, अर्शद शरीफ जैसे, साबिर शाकिर जैसे, समी इब्राहिम जैसे, ये इमरान रियाज खान जैसे, फैसला करें गद्दार इस वक्त कौन है और कौन इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। इम्पोर्ट बैन की है कोई लग्जरी आइटम, वो भी IMF प्रोग्राम के ऑपोजिट है। अगला बजट जो है उसमें सबसे बड़ी जो शिक होगी वो ये है कि आपने प्राइमरी सरप्लस करना है, कुछ पैसा डेट सर्विसिंग का भी टैक्सों से लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों ने अपने मतलब की इंतखाबी तरामीम और तहकीकी इदारों में मनपसंद अफराद को तैनात करने के लिए ये तक भुला दिया कि पाकिस्तान जिस मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है ये उसको सहारा दे भी सकेंगे या नहीं। अब जब तकरीबन 1.5 माह गुजर चुके हैं तो हुकूमत सख्त फैसले लेने की बातें कर रही है लेकिन ले नहीं पा रही। शहबाज हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार है कि सख्त फैसले ना किए तो मुल्क को माशी नुकसान होगा, और अगर सख्त फैसले ले लिए तो हुकूमत और इत्तेहादियों को सियासी नुकसान होगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी पर नजर डाली जाए तो 1.5 माह में हुकूमत ने जो भी फैसले किए हैं इसमें सिर्फ मुल्क का नुकसान होता ही नजर आ रहा है। महंगाई में इजाफा हो रहा है जनाब, डॉलर की तो डबल सेंचुरी हो चुकी है, बल्कि अब तो 200 से भी ऊपर जा चुका है। शराय सूद बढ़ाने की बातें की जा रही हैं जिससे महंगाई में मजीद इजाफा होगा। पूरे मुल्क में लोड शेडिंग का एक नया सिलसिला है, ना रुकने वाला सिलसिला है जो शुरू हो चुका है। मुखालफीन पर जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से हजारों अफराद का नाम बेबुनियाद तरीके से निकाल दिया गया है जिन पर अदालतों में केसेस चल रहे थे। मौजूदा मुल्की हालात से सीधा सा अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि हुकूमत से मुल्क चलाया नहीं जा रहा है। एक तरफ कमजोर माशी सूरत हाल है तो दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का प्रेशर है जो बढ़ता चला जा रहा है, जो 25 तारीख को इस्लामाबाद में डेरे डालने जा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल सिचुएशन को देखते हुए अब हुकूमती इत्तेहाद भी फौरी इलेक्शन की बातें कर रहे हैं लेकिन सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक अब फौरी इलेक्शन की तरफ जाना भी शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा, क्योंकि जो सूरत हाल आज से 3 महीने पहले थी वो अब नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान की अवाम में मकबूलियत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में फौरी इलेक्शन हुकूमत के लिए जनाब एक कड़ी आजमाइश हो सकती है। इसी पर मजीद बात करेंगे, ये तमाम मौजू हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, इस वक्त मुझे ज्वाइन कराए। आलिया हमजा मलिक साहबा पाकिस्तान तरीके इंसाफ की रहनुमा है, थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगी। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शर्जील साहब ये बताइएगा, लॉन्ग मार्च अनाउंस हो गया है, 25 तारीख को जनाब इमरान खान साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी बनाई आपने एज ए इत्तेहादी हुकूमत, आपने कुछ बनाया कि भाई क्या करना है, रोकना है, पकड़ना है, क्या करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि खान साहब ने हमेशा की तरह गलत वक्त पे गलत कॉल दी है। अच्छा, इस वक्त PTI की जो हुकूमत गई है जिसको निकाला गया है, उस हुकूमत की वजह से मुल्क में एक मौशी बहरान पैदा हो चुका था। अच्छा, और मुल्क की मौशत जो है वो उसकी बहुत बुरी हालात थी। अच्छा, और खान साहब की जो नाअहली थी, जो नाकामियाँ थी और जो उनके बैड गवर्नेंस थी, उसकी वजह से मुल्क की मौशियत को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। उसके साथ साथ इंटरनेशनली भी आप देखें कि इंटरनेशनल जो करप्शन इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान का नंबर ऊपर आया। तो ये पूरी दुनिया ने माना कि जी खान साहब के दौर में एक रिकॉर्ड करप्शन हुई है। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों के बाद इस वक्त मुल्क में जो नई गवर्नमेंट आई है वो कोशिश कर रही है किस तरह मौशियत को मुस्तहकम किया जाए, क्योंकि मौशियत मुस्तकिम होगी तो पाकिस्तान मुस्तकिम होगा। अच्छा, और हम समझें कि इस वक्त पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई इतनी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुल्क की हमें सोचना चाहिए। अच्छा, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा से आगे जाके हमें सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान को किस तरह मुस्तकिम करना है, ठीक है, और पाकिस्तान की मौशियत को कैसे ठीक करना है, फिर ये सियासत होती रहेगी। अच्छा, तो इस मौके पर मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की कोई कॉल आना
और अगर वो फिर कोई धरना वगैरह देते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं तो इस मुल्क को और नुकसान होगा, क्योंकि इस तरह की कॉल से जो है वो आपके स्टॉक एक्सचेंज, आपके जो भी बिजनेस के मार्केट्स होती हैं उनमें एक अनसर्टेनिटी का एक आंसर पाया जाता है। और फिर इंटरनेशनली भी जो आपके ऐसे ममालिक या ऐसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं जिनसे आपकी बहुत सारी डील्स या नेगोशिएशन चल रही होती हैं तो वो भी कतराएंगे कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए खान साहब को और इस तरह की कॉल वापस लेनी चाहिए, और इस तरह की कॉल से जो है वो पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं कर रहे। पहले 3.5 साल जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया वो पूरी कौम के सामने है, उसने कौम को पीछे लेके गया। तो अब भी मैं समझता हूँ कि खान साहब कुछ अपनी गलतियों की तलाफी करें। लगता और कि वो इलेक्शंस डिमांड कर रहे हैं, करवा दे इलेक्शंस। और मजे की बात सर, यही मुतालबा लेके, यही ख्वाहिश लेके आपने भी तो लॉन्ग मार्च किया था, उस वक्त खान साहब की हुकूमत थी, आप उस वक्त इलेक्शंस डिमांड कर रहे थे, आप खान साहब इलेक्शंस डिमांड कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या जायज था जो आप इलेक्शंस डिमांड कर रहे थे, और अभी क्या नाजायज है और आप कह रहे हैं कि नहीं इलेक्शंस नहीं करवाने, इसमें क्या दो राय है? देखिए मैं अर्ज कर लूं कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च हुई, मुझे पूरी हिस्ट्री की बता दीजिए कि 10-11 दिन में कहीं एक कोई रोड ब्लॉक हुआ हो, कहीं पे कहीं पत्थर तो चला हो, कहीं शेलिंग हुई हो, कहीं पे कोई किसी ने कोई गमला भी तोड़ा हो, खान साहब और हमने कहीं पे भी ना रोड ब्लॉक किया ना क्या किया। खान साहब करने जा रहे हैं धरने देने जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान में धरने देंगे। आज भी उनके लीडर्स के बयान थे कि हम हर गली हर रोड पे जो है वो धरने देंगे। तो इसका मकसद है कि आपकी जो इम्पोर्ट्स भी बंद हो जाए, आपके एक्सपोर्ट भी बंद हो जाए। अच्छा। जो भी आप लोगों के, जिन लोगों ने आपके मुख्तलिफ मिल ओनर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं या मुख्तलिफ कंपनी ने जो बाहर से चीज़ें मंगवाई होंगी वो सारी आपकी पोर्ट पर रुक जाएंगी। फिर जो यहाँ से जो लोगों ने ऑर्डर्स तैयार किए होंगे बाहर भेजने के लिए वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। तो आप इकॉनमी को चाहते हैं कि इकॉनमी जो है वो और मजीद बुरे हालात में जाए, पहली बात। अच्छा। आपके कितनी वेजिटेबल्स, कितने फ्रूट्स जो है आप यहाँ से बाहर भेजते हैं, अगर आपने इस तरह की कार्रवाइयाँ करनी है तो आप समझते हैं कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपायर हो जाए और कोई भी इसका बिल ना रहे कि लोग अपनी जो मेहनत की कमाई वो उससे उसकी वो कोई इजाफा कर सके। ठीक है। दूसरी बात आपने कही इलेक्शंस की, इलेक्शन की बात बिल्कुल मैं क्लियर करता हूँ जी कि इमरान खान साहब को इस वक्त किसी आईनी तरीके से नहीं हटाया गया है। अच्छा। इमरान खान साहब को जो आईन में मौजूद था तहरीक अदम एतमाद उसके तहत हटाया गया, जिसमें उनके पास 172 मेंबर्स नहीं थे, उनके इत्तेहादी जो थे वो उन्होंने सपोर्ट की उस वक्त की ऑपोजिशन को जो इस वक्त गवर्नमेंट में मौजूद है। इमरान खान साहब असेंबली का टेन्योर 5 साल पूरा होता है, प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर 5 साल पूरा नहीं होता। इमरान खान साहब चाहते हैं कि जी एक असेंबली जिसका टेन्योर 5 साल उसको खत्म करके 3.5 साल में कर दिया, मिसाल के तौर पर 1 मिनट के लिए जी इलेक्शन करवा लिए। इलेक्शन करवाने के बाद अगर जो भी पार्टी एक इकतदार में आएगी एक ऑपोजिशन में जाएगी, जो ऑपोजिशन की पार्टी है वो बोलती है जी मुझे इलेक्शन कबूल नहीं है, वो भी धरने फिर एक हफ्ते के बाद वो आके धरना दे दे, लॉन्ग मार्च दे दे जी के इलेक्शन दोबारा इलेक्शन कराए, तो फिर आप हर पाकिस्तान जो है वो हर हफ्ते हर महीने जो इलेक्शन करवाता रहेगा। ठीक है। ये चीजें नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ जो असेंबली का आईनी मुद्दत है वो इमरान खान पूरी होने दे। हाँ, अगर उनके पास 172 मेंबर्स हैं आज भी उनके इस्तीफे कबूल नहीं हुए वो आ जाए असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आ जाए, जो आईनी तरीका है। लेकिन अगर आप धरनों के जरिए, बदमाशी के जरिए, गुंडागर्दी के जरिए आप चाहते हैं कि जी आप हुकूमतों को गिराएंगे या ब्लैकमेल करेंगे, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि वो काबिल। लेकिन सर आप जो बात, जितना कॉन्फिडेंट आप मुझे इस वक्त लग रहा है ना, इतने कॉन्फिडेंट आपके इत्तेहादी जमात मुस्लिम नून नहीं लग रही। रोजाना की बुनियाद पर इजलास होता है, रोजाना की बुनियाद पर ही बात की जाती है कि भाई इलेक्शंस करवाएं या नहीं करवाएं। हुकूमत में खुद इस हवाले से दो राय, लेकिन अब हुकूमत ने फैसला कर लिया जनाब 2023 तक जाना है, उसके बाद अगस्त में इलेक्शन होंगे। खान साहब ने भी कर लिया है कि मैंने लॉन्ग मार्च करना है, अनाउंस भी कर दिया है, तो फिर क्या होने जा रहा है सर? क्या मतलब तसादुम होगा, किस तरह इसको रोकेंगे, क्या होगा फिर वहां पर? देखिए इमरान खान ने पहले 160 दिन धरना दिया, क्या हुआ? कोई इलेक्शन करवा सके, कोई असेंबली टूट सकी, नहीं टूटी। क्या हुआ? मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाना था, वो पहुंच गया। 126 दिन उन्होंने उस लॉन्ग मार्च में कौन कौन सी कॉल्स नहीं दी, उन्होंने ये कहा कि जी बिजली के बिल ना दें, आवाम हुंडी हवाले करें, लीगल चैनल से पैसे ना भेजें, और खुद अपना बिल भी जलाया, पूरी दुनिया को गालियां दी, क्या उनका नतीजा निकला? मुल्क को नुकसान पहुंचा, लेकिन इमरान खान को कुछ फायदा नहीं हुआ। आज भी अगर इमरान खान जो करने जा रहे हैं वो मुल्क को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, जो कि वो पहुंचाते हुए आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन उनकी जात को या उनकी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये बात है कि किस किस्म की इलेक्शन आप, अगर क्या ये जो पार्टियां इस वक्त असेंबली बनी हुई है, क्या ये धांधली में की इलेक्शन में आई थी? तो ये कह रहा है, अगर इमरान खान मानते हैं कि 2018 के इलेक्शन में धांधली थी तो उनका इख्तदार पूरा इलीगल था। अगर वो मानते हैं कि 2018 की इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ थी, अगर वो मानते, हालांकि हमें उस इलेक्शन में रिजर्वेशन थे बिल्कुल, मैं भी और हमें बिल्कुल
सॉलिड रिजर्वेशन से जो जिस तरह की कंप्लेंट्स आ रही थी तो वो उस पे इमरान खान साहब जो हैं जिस इलेक्शन को वो बड़ा साफ और शफाफ समझते थे किस बेस पे बोलते हैं कि जी दोबारा इलेक्शन हो। मैंने वही कहा कि जी पाकिस्तान में कोई 25 पार्टियां हैं या 50 पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, हर पॉलिटिकल पार्टी आके धरने दे दे, रोड ब्लॉक कर दे, बदमाशी करे, गुंडागर्दी कर दे, कह जी असेंबली को हम नहीं चलने देंगे, तो फिर क्या आप ये अलाउ करते हैं कि जी कि हर 6 माह बाद फिर हुकूमतें जो गिराई जाए। खान साहब के पास लॉजिक क्या है अपने इस अली इलेक्शन की? अगर उनके पास समझते मेजोरिटी है तो असेंबली में बैठे, स्ट्रेटजी क्या है सर, कैसे रोकेंगे इसको? पाकिस्तान में इस तरह आपने अलाउ कर दिया कि रियासत को कोई भी आके चैलेंज करे, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, अगर आप ने मैं कह रहा हूँ जी पाकिस्तान में अगर आपने अलाउ कर दिया कि रियासत की रिट को हर आदमी हर एरा गैरा के चैलेंज करे तो आप खोल दे, फिर तो फिर ये इस मुल्क में कोई कानून रहेगा ही नहीं। हर आदमी आके अपनी बदमाशी के जोर पे अपने फैसले मुसलत करेगा गवर्नमेंट पे और गवर्नमेंट उसको मानती रहे, उसकी ब्लैकमेलिंग में आती रहे। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक चीज ये भी है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मिजाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सोचती है समझती है कि जनाब जिसने एहतजाज करना है कर ले, आप कभी रखना नहीं डालते, कभी रुकावट नहीं डालते। पाकिस्तानी अवामी तहरीक आप सब जानते हैं सर, ताहिरुल कादरी साहब ने एक धरना दिया था और उस पर भी आप लोगों ने जाके मुजाकरात किए थे लेकिन रोका नहीं था। लेकिन आपकी इत्तेहादी जमात उसने एक नून का ये मिजाज है और उनका ये सोच है, उनकी ये समझ है कि जनाब हमने इनको रोकना है, थोड़ी महाजराई की सोच वो रखते हैं। अब आप दोनों इत्तेहादी हैं तो आप उनको क्या मशवरा देंगे, वो अपने माइंडसेट से इसको रोकेंगे या आप अपने माइंडसेट से जाने देंगे? दो बातें कहूं कि पीपल्स पार्टी ने ताहिरुल कादरी साहब के धरने में बिल्कुल मुजाकरात किए, मुजाकरात से ताहिरुल कादरी साहब चले गए। अच्छा, आपको लगता है कि इमरान खान किसी मुजाकरात नतीजे में आने के लिए तैयार होंगे? नहीं, अभी तक इमरान खान जब गवर्नमेंट से में बैठे थे तभी अपोजिशन से बात करने के लिए किसी चीज में नहीं थे, तो वो एक एजिटेशन मोड में और अभी जो उनको गम उनका छाया हुआ है उस कुर्सी जाने का, अच्छा, उस पर वो मुजाकरात करेंगे। तो एक शख्स जो कि अना की जिसमें अना का इतना मसला हो, जिसमें ईगो का इतना इशू है, वो शख्स किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मकबूल भी तो हो रहा है ना, आप ही भी तो देखें ना, उनको मकसद है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान में पॉपुलर भी तो हो रहा है, वो अनारकी फैले, अफरा तफरी फैले, फसाद हो, खुदा ना खासा हालात खराब हो, वो उनका मकसद है। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि कोई भी अकलमंद आदमी अगर उनको मशवरा दे, उनके साथ कोई लेफ्ट राइट में कोई अगर अकलमंद हो, अच्छा, उनको मशवरा ये देने चाहिए कि जी आप वेट करें, ये साल डेढ़ साल गुजर जाएगा, हम उससे पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं, कोई बात नहीं, आप अच्छा, हो सकते हैं पहले इलेक्शन करें, अपना वक्त भेजें या गवर्नमेंट आपके पास वक्त भेजे अगर आप तैयार हैं, आपको पहले जैसे इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाते हैं सारी चीज़ें हो जाती हैं, आप फिर आके बात करें। अगर आप इस तरह, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इस तरह पाकिस्तान में फिर कोई भी हुकूमत नहीं चल सकेगी, ये मैं आपको लिख के देने के तैयार हूँ। अच्छा, अगर आपको याद हो कि जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तब मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने और मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने कहा था कि हम इस इलेक्शन को कबूल नहीं करते हैं और हम लोग जो है वो ओथ भी नहीं उठाएंगे और हम लोग एहतजाज शुरू करेंगे, सड़कों पर आएंगे। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने उन सबको राजी किया, नहीं जी आप जो जिस तरह की भी इलेक्शन हुए हैं लेकिन आप इस गवर्नमेंट को चलने दें, ठीक है, और ये गवर्नमेंट को तब हटाएगा जब गवर्नमेंट के फैसले वो मुल्क की मौशियत के लिए खतरनाक साबित हुए। इंटरनेशनल दोस्तियां थी वो आपने खत्म कर दी, आपके जो ब्रदर मुमालिक थे उनके साथ आपकी दोस्तियां जो है वो नाराजगियों में तब्दील हो गई। अच्छा, जब गवर्नमेंट ने, जब उन पॉलिटिकल पार्टी ने देखा कि अब पहले तो उनकी नाहली थी, उनकी नाहली को भी उनको माफ कर दिया, लेकिन अगर वो नाहली आपकी मौशियत को नुकसान पहुंचा रही है, यहाँ के आवाम को नुकसान पहुंचा रही है और आपको इंटरनेशनली आपको आइसोलेशन में लेके जा रही है, तो और कोई हल नहीं बचता सिवाय इसके कि इन नाहल लोगों को निकाला जाए, और वही उस वक्त की अपोजिशन ने किया। अच्छा, आज इमरान खान साहब के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है अर्ली इलेक्शन का, ना कोई उनके पास मंतक है, वो सिर्फ और सिर्फ उस इक्तदार की कुर्सी का वो शौक है, जो एक दफा लग गया तो लग गया, ये वो कहते हैं इक्तदार की कुर्सी का नशा होता है। वो नशा पर मामलात पे लाने में भी तो आपका अमल दखल है, आपने ही तो हीरो बनाया है, अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी, आप कह रहे हैं कि महंगाई थी खुद ही गिर जाती, आप लोगों ने हीरो बना दिया सर मार्केट में, आप वो निकले। देखें जी, वो खान साहब झूठ बेच रहे हैं, खान साहब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा के मैं उनको मैं क्रेडिट देता हूं, वो मास्टर हैं। अच्छा, हर किस्म के प्रोपेगेंडा करने के लिए, किसी भी झूठ को जो सही साबित करने के लिए वो उनमें गट्स है, उनके पास पूरी टीम है, सोशल मीडिया पे उन्होंने पूरी अपनी एक बदतमीज ब्रिगेड बिठाई हुई है और उनके पास पूरा नेटवर्क है, और मुझे ये भी पता है कि नेटवर्क कहाँ से चल रहा है, कौन कौन इसकी मदद कर रहे हैं, कहाँ से बैरूनी तौर पर भी इनकी मदद हो रही है। लेकिन उस चीज से मैं हटकर एक बात करता हूँ। अच्छा जी, कि अगर आप बोलते जी 6 महीने और दे देते, ठीक है 6 महीने और दे देते, फिर क्या होता, मौशियत और तबाह हो जाती, फिर क्या जो 2-4 मुल्क आपसे बात करें वो भी बात करना बंद कर देते, फिर आप अकेले एक मुल्क रह जाते आप, अभी क्या तो क्या, या तो फिर बस वो कॉम्प्रोमाइज था। मैं आपको, आपकी बात अगर मैं इस तरह से
करना चाहूं तो बिल्कुल अच्छा कॉम्प्रोमाइज था कि यार, और उसको कहते हैं कि मैं वो वर्ड को थोड़ा उसको गलत वे में नहीं लीजिएगा, कहते हैं उसको अपनी मौत खुद मरने दो। अच्छा, लेकिन क्या हमें किसी को गंदा करना, किसी को नेगेटिव प्रूव करना, क्या हो रहा है, किसी का फेल्यूर प्रूव करना ज्यादा अजीज था या मुल्क के मफादत मजीद अजीज क्या हो रहा है सर? अभी भी तो क्या किसी की नाकामी को एज ए पोस्टर बैनर चला बना के चलाते, वो बनाते कि हम ये देखते हैं कि आवाम जो है और पिसते रहे, आवाम के लिए और प्रॉब्लम्स हो। जो कमिटमेंट्स इन्होंने, जो लोन्स लिए आईएमएफ से, जो कमिटमेंट की इन्होंने, वो इन्होंने पूरी नहीं की, तो हम सिर्फ ये शो कर दें कि जी कि हम खुदा ना खास्ता लाइफ टाइम के लिए उन रॉन्ग कमिटमेंट पे बैन हो जाएं, हमारे मुल्क को कल को कोई इमदाद देने के लिए तैयार ना हो। क्या वो चॉइस हमारे पास बेहतर थी या हमारे पास ये चॉइस बेहतर थी कि ऐसे नाहल शख्स को आप निकालें बाहर, ताकि लोग आके इन जो भी मसाइल उन्होंने पैदा किए हैं, जो भी इश्यूज उन्होंने पैदा किए, उनको रिजॉल्व करने के लिए। मैं आगे बढ़ता हूं सर, ये बताइए राणा सनाउल्ला साहब का जो बयान, आपके इत्तेहादी जमात में ही है, वजीर दाखला है, उनका जो बयान है क्या शान शान है कि भाई मैं चाहूंगा तो एक बंदा भी नहीं निकल सकेगा, मेरे इत्तेहादी अगर मुझे कहेंगे, मेरी हुकूमत मुझे कहेगी तो एक बंदे को भी निकलने नहीं दूंगा, आपके मिजाज से मुताबकत रखता है ये बयान? क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो ये मिजाज नहीं है। देखिए, बयानात की बात करूं तो मुझे इस पूरे सिनेरियो में सबसे गिरा हुआ बयान जो है वो इमरान खान का मुल्तान के जलसे में नजर आया, जो उन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के लिए कहा। कोई भी मुहज्जब शख्स इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता जो बात उन्होंने की। इससे उनकी अपने जहन की अक्कासी थी, उसमें उनकी अपनी तरबियत की अक्कासी थी। मुझे ये बताएं कि कोई पॉलिटिकल लीडर, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्या ये उसको जेब देता है कि जलसों में बैठकर किसी और की माओ बहनों के लिए ये बातें करना? जिस शख्स के घर में खुद माएं बहनों किसी और के लिए इस तरह की गुफ्तगू कर सकता है, मुझे बताएं आप, क्या आप उस नहीं नहीं, मैं अपने शो में, मैं अपने शो में सर किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा कि वो खवातीन के तकद्दस के हवाले से गलत बात करे, वो मरियम नवाज के हवाले से हो, बेनजीर भुट्टो के हवाले से हो, जमायमा के हवाले से हो, या किसी और के हवाले से। मेरा सुन ले, मेरा सुन ले ना, नहीं मैं अर्ज करो, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे लेकिन आप उसको कंडेम करेंगे, आप मुतालबा करेंगे एज एंकर, क्योंकि आप सर, मैं आपको यही तो अर्ज कर रहा हूं, एक पॉलिटिक्स में आप एंकर हैं, मैं एक मजदूर हूं, कोई और कोई किसान है, सबकी अलग अलग फीट है, लेकिन सब हम पहले इंसान है, मुसलमान है, पाकिस्तानी है। मैं क्या आप मुतालबा करेंगे इमरान खान से इस शो के दरमियान? ऑनेस्टली मैं आपसे कह रहा हूं कि सर मैं अपने शो में किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि किसी भी लिहाज से बिलो द बेल्ट बात की जाए, मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। खवातीन के तकद्दस के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं, ये बात मैं कहता हूं अपने शो के अंदर, बरमला इसका इजहार करता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आपने मुझसे एंकरों के सवाल कर लिया ना, आप एज अ पॉलिटिशियन अपने इत्तेहादी को सपोर्ट करेंगे कि मैं किसी को निकलने नहीं दूंगा, इसको आप सपोर्ट करेंगे? राणा सनाउल्ला का दिफा करेंगे आप उनके बयान का? देखिए, मैं एक बात, मैं कह रहा हूँ पीसफुल प्रोटेस्ट सबका हक है, लेकिन जिस तरह की प्रोटेस्ट की कॉल्स आ रही है, जिस तरह की प्लानिंग्स बताई जा रही है कि पूरे मुल्क को चौक करना है, तो क्या मुझे एक बात सुने, मैं अपने सियासी नॉर्म्स को देखकर मुल्क को चौक होने दे दूं, या मैं सोचूं कि नहीं, जिस किसान ने अपनी सब्जियां उगाई हैं और उसकी कोई आरती उसकी सब्जी को जो है वो अभी बाहर मुल्क में एक्सपोर्ट करने जा रहा है, और वो उसकी सब्जी खराब हो जाए क्योंकि पोर्ट बंद हो जाए और सड़कें बंद हो जाए और गाड़ियां ना चलें और ये सारे लोग जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए, तो मैं उस हजारों लाखों किसानों की फिक्र करूं या मैं एक ड्रामेबाज की फिक्र करूं जिसका मकसद सिर्फ इख्तदार की हवा से, मतलब इसका मतलब वही हुआ ना कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी नाइंसाफी को छुपाना है। इसका मतलब मैं ये लूं कि आप, इसका मतलब क्या है, चलें आप बता दें सर, क्या फैसला करना चाहिए एज ए हुक्मरान, गवर्नमेंट पार्टी? अगर आपको हुकूमत दी है तो आपको अल्लाह ताला ने एक मनसब दिया है जिसका मकसद है कि आपको हर एक का ख्याल रखना है, हर एक के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो मैं ये दे दूंगी जी, किसी ने इलेक्शन के लिए और अपने नाजायज मुतालबात के लिए और अपने जो भी ऐप जो छुपाने के लिए, उसे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, झूठे प्रोपेगेंडास के लिए पूरा मुल्क बंद कर दे, वो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत के वो जो मजदूर किसान जिनकी पूरी रोजी रोटी ये है, जो कारोबारी तबका है, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन वेजिटेबल्स फ्रूट्स में, या जिन लोगों ने ऑर्डर्स दिए हुए हैं हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो यहाँ से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें हमारी बाहर जाती हैं, उन सब के ऑर्डर्स दिए होते हैं, उनका बिलियंस ऑफ रुपीस की कंसाइनमेंट्स होती हैं, हम उन सबको छोड़ दें जी, क्योंकि जी इमरान खान साहब का मूड अच्छा नहीं है, तो हम जो है हमें उसको सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा। सड़कें बंद करने थे, हाँ इमरान खान ने देखे जलसे किए कराची में, जलसे किए एक जगह बताएं पुलिस ने कोई रुकावट डाली हो? इमरान खान ने जितने भी इनके यहाँ पे पूरे सिंध में प्रोग्राम्स हुए
गवर्नमेंट ने इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की, इनको जगह दी। हमें तो अपने लॉन्ग मार्च के लिए हमें आखिर दिन तक भी हमें एनओसी लेनी पड़ती थी, इनकी कोई एक हमने एनओसी रोकी तो हमें बताएं। जल से जुलूस से किसने मना नहीं किया, लेकिन आपने सड़कें बंद करनी है, आपने धरने अच्छा। देने और आपने पूरे मुल्क का पहिया जाम करना है और आपने लोगों का कारोबार बंद करना। आपकी जो बात है ना, इससे एक और डिस्कशन भी निकलती है। खान साहब ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है ना, उन्होंने कहा है कि मैं केपी से लोगों को बुलाऊंगा, मैं पंजाब से लोगों को बुलाऊंगा क्योंकि वहां से इस्लामाबाद करीब है, लेकिन मैं सिंध से नहीं बुलाऊंगा। उसकी वजह यह है क्योंकि बड़ा लंबा रास्ता है, अभी तो आज 23 तारीख हो गई है, 24 पर 25 आ जाएगी। और लेकिन उन्होंने कहा है कि सिंध वाले लोग अपने एरिया में धरने दें, उससे सर आप कैसे निपटेंगे, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, सिंध के लोगों से किस तरह से एहतजाज को मना करेंगे आप? मैंने फिर आप वो मेरे भाई कह दिया कि क्या मैं इजाजत दे दूं सबको कि नहीं देंगे, नहीं दें। आप रोडें बंद करें, सड़कें बंद करें, जो कोई एम्बुलेंस में जिसको मरीज हो वो हॉस्पिटल ना पहुंच सके, जिस बच्चों को स्कूल पहुंचना वो स्कूल ना पहुंच सके, कोई मुलाजिम अपने सरकारी ना पहुंच सके, और वो जो डेली वेजेस वाले उन्होंने क्या कसूर किया है, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनको मैं बंद कर दूं, जिनके सारी सड़कों बंद कर देगी पीटीआई, और आप लोग जो है के साथ अपने घर पे बैठे रहो, खाना आपको खुद पीटीआई पहुंचा। सर मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं स्ट्रेटजी पूछना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं सर आप इसको रोकेंगे कैसे? आपकी बात बिल्कुल बजा होगी, दुरुस्त होगी अपनी जगह पे, सर रोकेंगे कैसे, क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूं सर। गिरफ्तारियां करेंगे? देखिए हमारी कोई भी स्ट्रेटजी होगी वो अनलॉफुल नहीं होगी। अच्छा, वो कानून के दायरे में होगी, ठीक है, कानून के अंदर होगी। और मैं आज भी कहता हूं अगर इनको जलसे के लिए जगह चाहिए, कहीं बैठने के लिए जगह चाहिए, आप देने के तैयार हैं? हमसे गवर्नमेंट से रब्ता करें, हम उनको प्ले ग्राउंड, रोड ब्लॉक किए फिर क्या होगा, हम उनको बड़े बड़े खाली प्लॉट्स दे देते हैं, वहां जाके बैठ जाएं। लेकिन अगर सड़कें आपने ब्लॉक करनी है और लोगों की जिंदगी को धोचा का खराब करना है तो वो गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे सकती। ठीक है, माजरत के साथ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शर्जील इनाम मेमन साहब साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जनाब अगर आपको एहतजाज करना है, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं और खान साहब की कॉल पर आपने एहतजाज करना है तो बिल्कुल करें, हम आपको जगह देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसकी इजाजत नहीं देंगे कि आप रोड्स को ब्लॉक करें। जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आलिया हमजा मलिक साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे जानेंगे क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से इस्लामाबाद पहुंचना है, क्योंकि लॉन्ग मार्च तो ये होता है ना, आप कराची से लेके चलेंगे, लाहौर से लेके चलेंगे, अब खान साहब खुद इस्लामाबाद से कुछ फासले पर मौजूद हैं, तो किस तरह से वो इस लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी बना रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट हो चुकी है, 25 तारीख को इस्लामाबाद से कुछ फासले पर श्रीनगर चौक पर पहुंचना है, वहां पर खान साहब आप सबका इंतजार कर रहे हैं, ये खान साहब ने कहा था। तो जनाब आलिया हमजा मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से पहुंचना है, किस तरह से लोगों को वहां पर बुलाना है, क्योंकि लॉन्ग मार्च ऐसा होता ना कि कायद लीड करता है, लोग उनके साथ होते हैं, फिर जहां जहां से गुजरता है लोग उनके साथ होते जाते हैं और फिर इस्लामाबाद जाके पहुंचते हैं। आलिया साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, ये बताइएगा इस्लामाबाद पहुंच गई आप खैर आफियत से पहुंच गई, कहीं रुकावट तो फील नहीं की आपने कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हम तो पहुंच गए हैं इस्लामाबाद। अच्छा। क्योंकि हमें पता था ये जो इंपोर्टेड हकूमत है ये इतनी इसकी कांपे टांग रही है कि जो कहते थे हम बंदो इस्लामाबाद नहीं एंटर होने देंगे, इन्होंने 245 आर्टिकल के तहत फौज को लाने पर गौर करना शुरू अच्छा। कर दिया है और इन्होंने हर जगह कंटेनर्स पहुंचाने शुरू कर दिए। अभी के हालात के मुताबिक इस्लामाबाद तो बंद कर चुके हैं, जेलम के इलाके तक भी बंद कर चुके हैं, तो हम तो पहुंच चुके हैं। हम इनकी हर तरह की फासिज्म को, हर तरह के जबर को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा मुतालबा एक ही है, अवाम में जाना है, अवाम फैसला करे। पाकिस्तान का फैसला 22 करोड़ अवाम करेगी, पाकिस्तान का फैसला करने वाली ये इंपोर्टेड हकूमत नहीं हो सकती। अच्छा। पाकिस्तान का फैसला करने वाली ये भिखारी हकूमत नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तानी कौम का एक ही फैसला है आजादी। लेकिन हुकूमत ने यह किया कि उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी करनी है, रोजाना की बुनियाद पर इजलास होते हैं और आज तो ये खबर भी सामने आई है कि जनाब इत्तेहादियों ने भी फैसला कर लिया है, शहबाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया है, अब पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी, तो अब आपको क्या लगता है इनकी क्या स्ट्रेटजी होगी मजीद? इनकी स्ट्रैटेजीज तो आप छोड़ें ना, आप देखते नहीं है कि सुबह में इनकी स्ट्रैटेजी कोई और होती है, दोपहर में इनकी स्ट्रैटेजी कोई और होती है, शाम में इनकी स्ट्रैटेजी कोई और होती है। अच्छा। क्या आज
को नेशनल असेंबली के इजलास से अंदाजा नहीं हुआ कि ये किस कदर उजलत का शिकार है। जिस तरह से इन्होंने वहां पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल पेश किया, जिस तरह से इन्होंने वहां पर एक लोटे को फौरी तौर पर ऑपोजिशन लीडर लगाकर चेयरमैन नैब की तरक्की के ऊपर मुशावरत करने की कोशिश करना शुरू कर दी है, तो आपको अंदाजा नहीं हो रहा है कि ये किस कदर उजलत में है। किस कदर उजलत में है कि वहां पर ये कह रहे हैं कि पंजाब के सारे डीसीज और एसीज ये चेंज करने लगे, फौरी तौर पर तकरीरियां तबादले हो रहे हैं। तो ये बातें क्या शो कर रहे हैं कि ये बातें ये शो कर रही हैं कि इन्हें भी ये नहीं पता कि किस वक्त इनको असेंबलियां डिसॉल्व करके इलेक्शन में चले जाना चाहिए। तो ये जो मर्जी बातें कर लें, कभी एक आते हैं मरियम नवाज जलसे में, वो ये कहती है नवाज शरीफ तो आवाम पर बोझ नहीं डालने देगा, इसलिए हमें जल्दी से हुकूमत खत्म करके इलेक्शन में चला जाना चाहिए। वहां पर इनके एक और लीडर आते हैं जो बीबीसी को इंटरव्यू देते हैं, वो कहते हैं जी फौरी इंतखाबात ही होने चाहिए। यहाँ पर फिर खबर आती है कि जी ये आपस में एक दफा फिर वो जो इत्तफाके बाहिमी से इनके ज़ियाफतें शुरू हो गई हैं जो पहले कभी अदम एतमाद के लिए होती थी, एक आकर कह रहे तुम इस फैसले का बोझ उठाओ, दूसरा आकर कह रहे फौरन चलें। ये तो दिन रात स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं, इजलास कर रहे हैं, लेकिन अब इतला ये क्या फाइनल कर लिया भाई, पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से लोगों को आपने बुलाना है, वहां पर क्या करना है, ग्राउंड तो तैयार है, मैच कहां खेलना है आपने, डी चौक तक जाना है, धरना देना है? देखिए जी, सीधी सादी सी स्ट्रैटेजी ये है कि हम तब तक वहीं बैठेंगे जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हो। अच्छा अच्छा। और ये इससे हमारा एक ही सादा सा मुतालबा है, और वो मुतालबा ये है कि एक अकलियत वाली जो पार्टी है, अक्सरियत वाली पार्टी को बाहर बिठाकर इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया, एक यूएस रिजीम चेंज किया गया, एक अमरीकी मुदाखलत के बाद उसके सहूलतकारों ने एक जिसे कह लें कि इस मुल्क के साथ जुल्म व ज्यादती करके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जिस तरह से निकला है, अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। और वैसे भी 3.5 साल तो ये पहले दिन से इलेक्शन की डिमांड करते रहे, तो ये अब इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, इन्हें तो फौरी तौर पर इलेक्शन करवा देने चाहिए, फ्रेश मैंडेट लेकर आना चाहिए, मैंडेट लेकर आना चाहिए, जमहूरियत को मुस्तहकम करना चाहिए। ये कौन सी जमहूरियत है कि आप जो है कभी मौलाना की जलसी यहाँ पर आ रही है, कभी वो कांपे टांगने वालों का लॉन्ग मार्च यहाँ पर आ रहा है, कभी वो मरियम बीबी इलेक्शन कमीशन के बाहर 2 दफा आकर जलसी कर रही हैं, या उसके अलावा हर 2-3 महीने के बाद इनका कोई ना कोई जलसा जलूस इस हुकूमत को गिराने के लिए होता। आप लोग भी बड़े ठीक ठाक कर रहे हैं और आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी तक आपने जवाब नहीं दिया है, आपने जाना कहाँ है, आपने श्रीनगर चौक पर बुला दिया, उस रोड पर बुला दिया, वहां से कहां लेके जाना है आवाम को, डी चौक तक लेके जाना है, वहां पर धरना देना है? देखें जी हमारे जो काफले हैं, पहली बात है अवाम निकल रही है इसलिए, पीटीआई का जब मैं ये बात करती हूं ना, ये मार्च पाकिस्तानियों का मार्च है, ये मार्च पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सिर्फ मार्च नहीं है, ये हमारी 80 साल माओं का भी मार्च है, हमारी 8 साल 6 साल छोटी बेटियों का भी मार्च है, ये उन माओं का भी मार्च है जिनकी गोदों के अंदर दूध पीते बच्चे हैं, मेरे वो भाई या मेरी वो बहनें जो बैसाखियों या व्हील चेयर पर हैं, ये उनका भी मार्च है, ये उन बूढ़ों का भी मार्च है जो अपने व्हील चेयर पर बैठ कर पाकिस्तान की खातिर निकलेंगे। और आप ये देखेंगे कि यहाँ पर हमें किसी को लाने की जरूरत नहीं पड़ रही, अवाम खुद निकल रही है, क्योंकि अवाम सिर्फ इतना चाहती है कि इस मकबूजा पाकिस्तान को, इस मकबूजा असेंबली को इस गैर मुल्की तसल्लत से आजाद करा जाए। अच्छा। बड़ी सादा सी बात, लेकिन इसमें गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, आपको पता है ना, 700 अफराद से ही है, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, तैयार है आप लोग गिरफ्तारियों के लिए, क्योंकि सहाफियों के खिलाफ तो केसेस बनना शुरू हो गए हैं, अरशद शरीफ साहब को कह लें आप या समीम यारमी साहब के खिलाफ भी केसेस बनना शुरू हो गए, और उस कानून के तहत जो कि इंप्लीमेंट ही नहीं है, उसके तहत जो है ना केसेस भी बन रहे हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, तो आप लोग भी तैयार हैं? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, आजादी सहाफत का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले। अच्छा, वो जो पीका ऑर्डिनेंस के तहत आपको याद है जहाँ के जिन्होंने धरना दिया था, उन्हीं के एफआईए पीका ऑर्डिनेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई थी, और फिर उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आकर सिर्फ इतना कहा था आई वाज नॉट इन द रूम, आई डोंट नो एनीथिंग। तो उसके बाद अब आप ये देख लें कि किस तरह से आजादी सहाफत का गला घोंटा जा रहा है। वो जो मेरे मुहिब वतन पाकिस्तानी सहाफी भाई हैं, अरशद शरीफ जैसे, साबिर शाकिर जैसे, समी इब्राहिम जैसे, ये इमरान रियाज खान जैसे, वो डॉक्टर मोहित पीरजादा
वजह से, इसी तरह सियासत डॉट किक के ऊपर जिस तरह की कदम लगाने की ये कोशिश कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अगर ये लोग नहीं है और इनकी नजर में सलीम साफी और हामिद मीर है, तो फिर तो मैं कहूंगी कि इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो पाकिस्तानी फौज के लिए भी लड़ते रहे हैं, पाकिस्तान के लिए भी लड़ते रहे, और इनमें से अरशद शरीफ तो वो हैं जिन्होंने अपने हाथों से, जिनका एक भाई शहीद और वालिद मोहतरम शहीद हैं और उन्हें लहद में उन्होंने अपने हाथों से उतारा है, और जो सिक्योरिटी जवानों के साथ जाकर सरहदों के ऊपर अपने प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करके उनका उनके मोराल को अप करते रहे, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी फैसला करें गद्दार इस वक्त कौन है और कौन कौन इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये जो सौदा हुआ था, मैं बार बार ये क्यों कहती हूँ, सिर्फ इमरान खान को निकालने का नहीं हुआ था, ये मईशत के ऊपर ड्रोन अटैक था, ये पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक था, पाकिस्तान में फसाद करने का ये मंसूबा हुआ था। अच्छा 2014 में खान साहब जब कंटेनर लेकर चले थे, कंटेनर की मंजिल पता थी हमें जनाब, डी चौक ही है, अभी भी उनका कंटेनर तैयार कर लिया गया, तस्वीर भी उसकी सामने आ चुकी है, अब उस कंटेनर की अगली मंजिल श्रीनगर के बाद से कहां होगी, श्रीनगर चौक की बात कर रहा हूं, वहां से कहां होगी, किस तरफ जाएगा वो कंटेनर? देखें जी, जिसका वजीर दाखला जो है ना 20 कत्लों में मतलूब हो, जिसका वजीर दाखला मॉडल टाउन के अंदर हमला औरतों के ऊपर गोलियां बरसाता हो, उससे हम कोई भी गुंडागर्दी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आप आ जाए, खान साहब केपी कैसे लीड करेंगे और हम सब यहाँ पर पहुँचेंगे, पॉइंट्स डिसाइड हो चुके हैं, जिन्होंने काफलों को लीड करने हैं वो डिसाइड हो चुके हैं, जहाँ पर काफलों ने मिलने हैं वो पॉइंट्स डिसाइड हो चुके हैं, और उसके बाद सब पहुँचेंगे श्रीनगर। और मैं आपको बता रही हूँ कि लोग आज से इस्लामाबाद पहुँचना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हमें ये डर था कि ये गुंडागर्दी, हमें ये डर था कि ये आवाम की ताकत को रोकने की कोशिश करेंगे, आवाम निकल पड़ी है, क्योंकि हमें तो हर सूरत थी। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगली मंजिल डी चौक की तरफ ही है ना, डी आप लोगों की कंफर्म हो गया, ये बात तय हो गई है? देखें जी, अगली मंजिल तो कोई भी हो सकती है, उस पर तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो हालात और वाकयात ही फैसला करेंगे कि अगली मंजिल क्या होगी। चलें लेट्स सी अगली मंजिल आपकी क्या होगी, लेकिन खैर इस्लामाबाद लोग पहुंचना शुरू हो गए, ये आप बता रही हैं, 25 ज्यादा दूर है नहीं, आज 23। अब जनाब एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मईशत की बात करेंगे, ये आम आवाम का मसला है, मईशत जो है ना इस वक्त वाकई में हिचकोले खा रही है, महंगाई अपनी तमाम हदें पार कर चुकी है। डॉक्टर सलमान साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। शहबाज शरीफ ने जब से हुकूमत संभाली है, मुल्क में महंगाई रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। स्टेट बैंक ने पिछले महीने ही पॉलिसी रेट में 250 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया था, जिसके बाद शरह सूद 12.25% हो गई थी। अब आज स्टेट बैंक ने इसमें मजीद 150 बेसिस पॉइंट्स यानी तकरीबन 1.5% का इजाफा कर दिया है, जिससे शरह सूद बढ़कर अब 13.75% हो चुकी है, जिसके बाद महंगाई बढ़ती चली जा रही है और इसको काबू करना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमती इकदामात से आने वाले माली साल 2023 में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का इम्कान है, जबकि आइंदा माली साल के दौरान अफरात जर बुलंद रह सकती है। इस फैसले से मुल्क और अवाम पर क्या असरात पड़ेंगे, मजीद बात करेंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर माहिर माशियात की हैसियत से क्या लगता है आपको, ये जो शरह सूद 13.75% पर ले जा रहे हैं, क्या होगा सर इससे? देखिए इससे एक दो चीजें होंगी, नंबर वन, एक तो ये जो भी इस वक्त कोई इन्वेस्ट करने की सोच रहा होगा वो तो इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट जो है वो वायबल नहीं रहेंगे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इससे खासी बढ़ जाएगी, और उससे ये है कि स्लो डाउन होगी इकोनॉमी में, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी, तो ये इसके इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होंगे। दूसरी तरफ ये भी है कि जो आपका डॉलर है उसकी कदर में शायद कोई थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन वो देखने की बात है कि वो किस हद तक कामयाब होते हैं उस एरिया में। तीसरी चीज़ जो इन्फ्लेशन की है, इन्फ्लेशन क्योंकि इस वक्त हमारी एक किस्म की इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, और वो एनर्जी के इंटरनेशनल प्राइसेस और फूड कमोडिटी प्राइसेस पे इस वक्त चल रही है,
सकती है, तो हमारे डोमेस्टिक इंटरेस्ट का उसके ऊपर इन्फ्लेशन पे इतना कोई खास असर नहीं होगा। बट हैविंग सेड दैट, ये आईएमएफ के जो प्रोग्राम है उसके जो क्राइटेरियाज हैं उसके मुताबिक है, क्योंकि उसके मुताबिक हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको रियल पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स वो मांगते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए आपका डिस्काउंट रेट। सो एक इंडिकेशन इससे ये भी है कि आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ हम अब आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। तो सर सब चीजें बढ़नी है, महंगाई भी बढ़नी है और सारी बेरोजगारी भी बढ़नी है, तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक सर, ये आईएमएफ की रिक्वायरमेंट पर ये तमाम चीजें हो रही हैं? क्योंकि माजी में अगर नून लीग की हम हुकूमतें देखते हैं तो ये शराय सूद को कम ही रखती थी, इतनी ज्यादा बढ़ाती नहीं थी, उनका रुझान उनका माइंडसेट ऐसा नहीं था। ये देखें, आईएमएफ प्रोग्राम जो है उसमें आपको पता है कि उनकी बहुत सी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं, और उसमें एक क्राइटेरिया ये भी है कि आप किस हद तक कीमतों को, एनर्जी प्राइसेस को ऊपर जाने देंगे, और वो चाहते हैं कि इनमें पूरी कॉस्ट रिकवरी भी हो, और इससे फिर टैक्स जनरेशन जो आपके बजट में की गई थी वो भी आपकी आनी चाहिए। तो आई थिंक कि अगर तो ये हम उस प्रोग्राम के कड़ियां पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके मतलब यह कि आगे चल के एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, और जब एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो उसका फिर एक राउंड पूरी इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो भी आता है। बट ओवरऑल क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा बरूनी मुल्क कर्जे इतने ज़्यादा हैं और उनकी रीफाइनेंसिंग हमने करनी है। अगर आईएमएफ प्रोग्राम नहीं होगा तो वो रीफाइनेंसिंग इस वक्त तकरीबन नामुमकिन है, और उसमें फिर हम डिफॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। सो हमें ये इन अ वे आईएमएफ प्रोग्राम लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि इसको हम करें बहाल, और डिफॉल्ट से बचना बहुत ज़रूरी है। उसका इम्पैक्ट एक बहुत इन्फ्लेशनरी भी है, दूसरा ये है कि उसके इम्पैक्ट की वजह से स्लो डाउन भी होगा, उसके इम्पैक्ट की वजह से। अच्छा, सर सॉरी टू कट यू डाउन, लेकिन सर अभी ये मिफ्ता इस्माइल साहब आज कह रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, हम इसको मुस्तहकम ही रखेंगे जिस तरह की थी, आईएमएफ से ये बातचीत कर रहे हैं, और ये फिर ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुआहदे किए थे हम उसको जारी रख रहे हैं, और उसमें खान साहब ने मुआहदा किया था कि ग्रेजुअली मैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ाऊंगा, लेकिन फिर उन्होंने 10 रुपये कम कर दिया था। तो आपको लगता है आईएमएफ प्रोग्राम मिल जाएगा इनको पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाते हुए? जी शाह साहब हैं वहाँ सर? जी शाह साहब जी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है आपकी, आवाज जी सर आपको आवाज जी। मैं ये कह रहा था कि मिफ्ता साहब के जो सियासी बयान हैं तो उनको एक साइड पे रख दें, जो आपका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातचीत है वो तो आई थिंक आईएमएफ प्रोग्राम के साथ हम जुड़े हुए हैं, और उसका जो वजह है जो इस वक्त हमें इतनी प्रॉब्लम में है वो है पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर, और एनर्जी सेक्टर में आपको पता है कि 2014 से लेके 2018 तक जो एक्सपेंशन की गई थी 15,000 मेगावाट के करीब, वो हमने गलत एक्सपेंशन कर ली। उसमें 2-3 मसाइल हैं। नंबर वन मसला उसका ये है कि वो बड़े महंगे थे प्रोजेक्ट्स, और उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स बहुत ज़्यादा थी, और 30-30 साल के उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। नंबर दो, वो इम्पोर्टेड एनर्जी फ्यूल के ऊपर है, इम्पोर्टेड गैस है, इम्पोर्टेड तेल है, इम्पोर्टेड कोल है, और इस वक्त एनर्जी मार्केट्स जो हैं वो यूक्रेन की जंग की वजह से बिल्कुल आउट ऑफ लाइन है और बहुत एक्सपेंसिव हुई है। सो ये जो प्रॉब्लम है इसको चौकत तरीन के ऊपर वो ना डालें, ये तो उनकी अपनी जो एनर्जी टीम थी उस वक्त जिसने ये सारे प्रोग्राम्स किए थे उनके ऊपर ये जाता है। एक बात भी मैं ऐड कर दूं, जिस वक्त ये हमने ऐड की कैपेसिटी थर्मल फ्यूल्स के ऊपर बेस्ड ऑन इंपोर्टेड फ्यूल, उस वक्त तुर्की ने 10,000 मेगावाट सोलर के लगाए बिजली के कारखाने, और वो अब चल रहे हैं बड़े अच्छी तरीके से, और अब हम ये देख रहे हैं कि हम जब अब मुसीबत में हम जकड़े
हुए हैं, तो अब हम सोच रहे हैं कि ओहो हमें तो सोलर के लगाने चाहिए थे और हमें इंडिपेंडेंस लेनी चाहिए थी, एनर्जी इंडिपेंडेंस, तो जाहिर है कि वो अब नहीं हो सकती। तो सर सोलर का आप जिक्र कर रहे हैं तो शहबाज शरीफ साहब ने भी तो कहा था ना कि जो ये 17% जो GST है सोलर पर से, इसको हटा दिया जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई इसकी। वो इसलिए नहीं इम्प्लीमेंटेशन हुई क्योंकि ये अगर आपके IMF के प्रोग्राम के तहत आपके रेवेन्यू सोर्सेज जो हैं उनकी ये एक रिक्वायरमेंट है IMF की कि वो हर चीज पे सेल्स टैक्स लगेगा। दूसरी चीज ये भी है कि अभी हुकूमत ने जो इम्पोर्ट बैन की है कोई लग्जरी आइटम, वो भी IMF प्रोग्राम के ऑपोजिट है। IMF प्रोग्राम ऐसी चीजों के ऊपर नहीं बिलीव करता, बल्कि उनके IMF प्रोग्राम का हिस्सा है कि पाकिस्तान ट्रेड को ओपन रखेगा और इस तरह की बगैर IMF के कंसल्टेशन के एक्शन नहीं लेगा। तो सर आइंदा बजट को आप कैसे देख रहे हैं? सर देखें, अगला बजट जो है उसमें सबसे बड़ी जो शिक होगी वो ये है कि आपने प्राइमरी सरप्लस करना है। प्राइमरी सरप्लस का मतलब ये है कि अब आपने टैक्सों से तमाम एक्सपेंडिचर्स पूरे करने हैं और उसके अलावा कुछ पैसा डेट सर्विसिंग का भी टैक्सों से लेना है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो टैक्स रेट्स ऊपर जाएंगे, दूसरा जो है आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकता है खासा कट करना पड़े और दूसरे खर्चे भी कम करने पड़ेंगे। और अगर हमने ये प्राइवेटाइजेशन वगैरह ना की तो वो हमारे पे और एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। तो ये अगला बजट जो है बड़ा टफ बजट होगा। ठीक है, मतलब आने वाले वक्त जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे। सलमान साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। और बता रहे थे जनाब जो भी सूरतेहाल इस वक्त है, आने वाला वक्त जो अभी का महंगाई की सूरतेहाल है इससे ज़्यादा मुश्किल होगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त जनाब, ज़िंदगी रही सेहत रही, तो कल 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।